दोस्तों सभी लोग आजकल फोटोग्राफर हो गए हैं। जी हाँ, प्रोफेशनल फोटोग्राफर। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन कैमरा जो है इतने अच्छे हो गए हैं कि पूछिएगा मत। लेकिन हम फोटोज तो बहुत निकालते हैं, लेकिन जब आप निकालते हो फोटोज 90% ऑफ द टाइम आपको लगता है अरे ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, कलर थोड़ा अलग होना चाहिए था। नो प्रॉब्लम्स, उसके लिए फोटो एडिटिंग ऐप्स होते हैं। और मैं आपको आज 5 ऐसे फोटो एडिटिंग ऐप्स बताने वाला हूँ जो सीरियसली आपके जो फोटोज जो आपने नॉर्मली आपके स्मार्टफोन कैमरा से निकाले हुए नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। ये 5 ऐप्स जो मैं बता रहा हूँ फोटो एडिटिंग ऐप्स, ध्यान से देखिए, नए हैं कुछ कुछ, नए हैं कुछ कुछ, पुराने हैं, बट दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यस, लेकिन दोस्तों ऐप्स बताने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों ये जो पहला ऐप है, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू यूज इट। फोटो रूम नाम है, सिंपल जेनरिक नाम है, 9.6 MB का है, फ्रांस बेस्ड ये ऐप है। लेकिन दोस्तों ये जो काम करता है ना बहुत जबरदस्त करता है, बहुत सारे दूसरे ऐप्स करते हैं बट दिस डज परफेक्टली। जो बैकग्राउंड आपको इरेज करना होता है, जी हाँ, आपका फोटो लिया, आपको बैकग्राउंड पसंद नहीं आया, चेंज करना है, विथ जस्ट वन क्लिक आप कर पाओगे। उतना ही नहीं, आपको आउटलाइन अगर डालना है, बोके वगैरह सब ब्लर करना है आपको बैकग्राउंड, ये सब चीजें आप सेकेंड्स में कर पाओगे एंड इट डज विथ क्वालिटी। जैसे मैंने कहा बहुत सारे दूसरे ऐप्स भी करते हैं बट ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है क्वालिटी। सीरियसली एज डिटेक्शन बहुत ही अच्छा है इस ऐप का, जरूर देखिएगा। वैसे बाकी सब फीचर स्टिकर्स वगैरह भी आप क्रिएट कर पाओगे तो दूसरे बाकी के फीचर्स है, बट सबसे बड़ा हाईलाइट फोटो रूम का यही है कि बैकग्राउंड कट करना, आपका जो कटआउट है वो निकाल के देना। दोस्तों जो सेकंड ऐप है इसका नाम है वेपोग्राम, और अगर आप 90s के किड हो आपको ये पसंद आएगा। जी हाँ, ऐसे एक पुराना फील देता है वो, इनफैक्ट ऐप दिखने को भी वैसे थोड़ा पुराना है और ग्लिच इफेक्ट वगैरह आपके फोटोज को दे पाओगे, आपका जो एक स्टिल फोटो है दोस्तों उसको मूविंग कर पाओगे। जी हाँ, ग्लिच इफेक्ट वगैरह ऐड कर पाओगे जिसकी वजह से थोड़ा डायनामिक लगेगा। यस, थोड़ा अलग है। आपको अगर जिप्स वगैरह क्रिएट करने हैं, GIF, जी हाँ, क्रिएट करने हैं, मूविंग इमेजेस वगैरह क्रिएट करने हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जैसे मैंने बताया पुराने जमाने की याद दिलाता है, इट्स अ क्लासिक लुक वेपोग्राम। वैसे दोस्तों जो भी ऐप्स बता रहा हूँ सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा, जरूर ट्राई भी कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि आपको ये ऐप्स कैसे लगे, इसमें से अगर कोई इस्तेमाल किया है आपने तो जरूर बताइए। दोस्तों जो तीसरा ऐप है उसका नाम है हाइपोकैम, और एक स्पेसिफिक चीज के लिए, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बहुत ज्यादा पसंद है तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, आप जब लाइव व्यू, इट इज लाइक अ कैमरा ऐप, जी हाँ, आप खोलिए, कैमरा इस्तेमाल करेगा एंड सब ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा, अलग अलग ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट्स आप ऐड कर पाओगे। सो इफ यू आर इनटू ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपने ये जरूर ट्राई करना चाहिए। और हाँ, बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स वगैरह तो सब है ही, बट दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। दोस्तों चौथा जो ऐप है वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, पिक लैब इसका नाम है, 76 MB का है। दोस्तों आई टेल यू, अगर आपके ऑलरेडी फोटोज अच्छे आए हुए हैं लेकिन स्टनिंग आपको टेक्स्ट या फॉन्ट्स वगैरह ऐड करने हैं, कुछ फ्रेजेस वगैरह ऐड करने हैं, कोट्स वगैरह ऐड करने हैं, तो जरूर ये वाला ऐप आप ट्राई कीजिए। जी हाँ, आप अगर पोस्टर्स वगैरह बहुत ज्यादा बनाते हो, टेक्स्ट फॉन्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, यू आर गोइंग टू लव दिस ऐप पिक लैब, बहुत अच्छा है। हम इस्तेमाल करते हैं पोस्टर्स बनाने के लिए। जी हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत बार हम कोट्स वगैरह डालते हैं, अपना फोटो होता है और ऊपर कोट होता है, वैसे पोस्टर्स वगैरह आपको बनाने हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइक पिक लैब। और दोस्तों ये जो फाइनल ऐप है ये अभी अभी रिलीज हुआ है, अडोब का है, अडोब फोटोशॉप कैमरा। जी हाँ, लाइव इफेक्ट, बेसिकली इट्स अगेन अ कैमरा ऐप, लेकिन स्टनिंग इफेक्ट्स वगैरह आप लाइव देख पाओगे और क्लिक कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे आपको इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने होते हैं और आपको देखना होता है जब आप क्लिक कर रहे हो, यू कैन यूज दैट। ये 100 MB का ऐप है और अडोब का है, क्वालिटी ऐप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने बताया इट इज अ लाइव फिल्टर कैमरा ऐप, ऐसे मैं कहूँगा। और दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया, जो भी ऐप्स बताए हुए सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा ऐप लगा ये बताना मत भूलिए। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, यस डोंट फॉरगेट दैट, एंड शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।